हेल्थ वाइज या लुक वाइज थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं और एब्डोमेन एरिया बढ़ता हुआ दिख रहा है। बेसिकली जो फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है इनके हार्ट के साइड, उसको निकालने में हेलो फ्रेंड्स विद न्यू वीडियो ऑफ मफिन। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ डॉग हार्ट डिजीज़ के बारे में, और डॉग हार्ट डिजीज़ कैसे होती है, क्या उसके कॉजेस होते हैं, और कैसे आप उसे देख सकते हैं अपने डॉग के अंदर, या उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो व्हाट इज़ अ कैनाइन हार्ट डिजीज़? कैनाइन हार्ट डिजीज़ जो होती है बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर कभी कभार गलत हो सकता है किसी डॉग में, या उसका फंक्शन जो होता है कभी गलत हो सकता है, उस वजह से भी हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। इनफैक्ट हार्ट डिजीज़ कभी कभार इन्फेक्शन से भी हो सकती है, एंड सम हाउ मेडिकल कंडीशन भी, अंडरलाइंग जो मेडिकल कंडीशन होती है उसकी वजह से भी हार्ट डिजीज़ हो सकती है। एंड मोस्ट ऑफ द कॉमन जो होती है जेनेटिक वे में होती है। सो अगर आपके डॉग के पेरेंट्स जो होते हैं, या आपका पापी का जो पेरेंट्स होंगे, उनमें से किसी एक को हार्ट डिजीज़ होगी, तो फॉर श्योर ये हार्ट डिजीज़ आपके पपी को भी हो सकती है, क्योंकि ये जेनेटिक वे से आती है। सो ये चीज़ आप देख सकते हैं, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कैनाइन हार्ट डिजीज़? सो मोस्ट कॉमन कैनाइन हार्ट डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं, डिक्रीज इन एनर्जी लेवल, एक्सरसाइज टॉलरेंस वो नहीं कर पाते हैं, प्लस मोस्ट कॉमनली जो होता है कफिंग, इंक्लूडिंग हार्ट ब्रीथ, एंड फेंटिंग हो जाती है, जल्दी फेंट हो जाते हैं डॉग्स, कोलैप हो जाते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन एरिया ड्यू टू फ्लूइड बिल्डअप। अगर आपको लगता है कि आपके डॉग का एब्डोमेन एरिया थोड़ा सा एनलार्ज हो रहा है, या थोड़ा सा आपको लग रहा है कि उसके स्ट्रक्चर में या उसकी हेल्थ वाइज या लुक वाइज थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं और एब्डोमेन एरिया बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो उसे ज़रूर आप दिखाएँ। सो ये सारी चीज़ें और ये सारी सिम्टम्स होते हैं बेसिकली ये हार्ट डिजीज़ में। कफिंग अगर हो रही है आपके डॉग को, तो उसको आप हल्के में मत लीजिए। आप ये मत सोचिए कि विंटर्स है इस वजह से कफिंग हो रही है, या आपका डॉग को बीमार है, या कोल्ड हो गया है, कुछ भी ऐसा ना सोचें। अगर आपको लगता है ज़्यादा कफिंग हो रही है, तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाएँ, उसे दिखाएँ। ज़रूरी नहीं कि कफिंग एक नॉर्मल डिजीज़ की तरह हो सकती है, सम हाउ वो कैनाइन हार्ट डिजीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है। सो हाउ कैन यू प्रिवेंट अ कैनाइन हार्ट डिजीज़? इसको प्रिवेंट करने के लिए पहला तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज देना पड़ेगा अपने डॉग को, प्लस एक बैलेंस डाइट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक बैलेंस डाइट के साथ ही एक हेल्दी डॉग रहता है, एक हेल्दी बॉडी भी उनकी रहेगी, और ऐसे वो कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। इनको नेसेसरी वैक्सीनेशन भी देना ज़रूरी है। हमें पता है कि हार्ट डिजीज़ चाहे वो ह्यूमन हो या डॉग हो, दोनों के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इनकी जो रेगुलर वैक्सीनेशन होती है वो ज़रूर देना चाहिए। प्लस जो हार्ट डिजीज़ कॉज होता है वो वायरस की वजह से होता है, तो बेसिकली आप इनको ये चीज़ देखें कि वायरस जो होता है वो ज़्यादा ना हो, बड़े ना, तो इस वजह से वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती है डॉग के लिए। एंड फाइनली डॉग को रेगुलर एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर लेने जाना चाहिए। इनके जो रेगुलर चेकअप होते हैं उनको कभी मिस ना करें। अगर आपका डॉग हार्ट डिजीज़ से डायग्नोस्ड है, तो आप उसे ज़रूर रेगुलर चेकअप्स करवाएं। हाउ कैन यू क्योर अ कैनाइन हार्ट डिजीज़? अगर आपका डॉग डायग्नोस होता है कैनाइन हार्ट डिजीज़ से, तो वहाँ काफ़ी सारे सेवरल ऑप्शन हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, जैसे कि आप ACA इंट्यूब्यूटर इन्हें दे सकते हैं। ये बेसिकली जो फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है इनके हार्ट के साइड, उसको निकालने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है ये ट्रीटमेंट। इस वजह से इनका जो हार्ट डिजीज़ होता है, या जिसकी वजह से हार्ट इनका जो फंक्शन है, वर्किंग है, थोड़ा कम या स्लो करने लग जाता है, वो चीज़ क्योर करता है। प्लस सर्जिकल इम्प्लांटेड पीस मेकर, जो कि हमें पता है पीस मेकर एक काफ़ी सही होता है फॉर अ हार्ट डिजीज़। इनफैक्ट ह्यूमंस के लिए भी पीस मेकर बोला जाता है कि यूज़ करना चाहिए, वो वर्किंग बहुत अच्छे से करवाता है हार्ट की। सो ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं डॉग्स के लिए भी, जिससे कि इनकी हार्ट डिजीज़ क्योर हो सकती है। हाउ यू कैन गिव देम एक्स्ट्रा केयर? अगर आपका डॉग डायग्नोस्ड है फ्रॉम अ हार्ट डिजीज़,
तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो चीज़ यह है कि इनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है और इनको अटेंशन भी ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि डॉग्स को भी हम एक बच्चे की तरह ही पालते हैं। ये बोल नहीं सकते हैं, बस अपने एक्सप्रेशन शेयर कर सकते हैं, जस्ट अपने पाउस के साथ, अपने साउंड के साथ, या फिर खेलने के उससे ही अपना जॉय, अपना सौरव जो भी है एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस बोल नहीं सकते हैं। तो हमें इनको एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन देना पड़ता है। ऐसे आप इनको मॉनिटर कर सकते हैं, इनका चेकअप रेगुलर कर सकते हैं। इनका चेकअप कभी भी आप मिस मत करिए, और हार्ट डिजीज़ वाले वो जो डॉग होते हैं उनके लिए तो स्पेशली रेगुलर चेकअप्स और इनका रेगुलर जो वेट रूटीन होता है वो कभी मिस ना करें, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्लस इनकी जो एक्टिविटीज़ है उस पर भी आप ध्यान रखें। आप ये देखें कि आपका डॉग ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, एक्सेसिव एक्सरसाइज इनके लिए अच्छी नहीं होती है। रेगुलर एक्सरसाइज जो इनकी चल रही है वो चलने दीजिए, वो अच्छा है इनके लिए। प्लस इनको हमेशा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अवे रखें। प्रोवाइड देम प्लेंटी ऑफ कंफर्टेबल पीस टू रेस्ट, एंड इनको खूब सारा प्यार और अटेंशन दें। हमें पता है जैसे कि ह्यूमंस को भी नीड होता है प्यार, अटेंशन और केयर का, सेम वे डॉग्स को भी वही चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि डिजीज़ दोनों की एक साइड से देखा जाए तो बराबर ही है और हमें उतनी ही केयर करनी होती है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी न्यू वीडियो मिस ना कर सकें। और मफू एज यूजुअल भुक्कड़ हमारा। तफी कौन खाएगा ट्रीट? सिट। ट्रीट कौन खाएगा? सिट। गुड गर्ल। हाई फाइव। हाई फाइव नहीं, हाई फाइव। अच्छा हैंड शेक। पकड़ो, किसकी है ट्रीट? लो गई। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।